इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई थी उसे हटा लिया गया है। सोमवार को शीर्ष कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने शर्तों के साथ रथ यात्रा को निकालने की अनुमति जारी कर दी है। यात्रा निकाले जाने को लेकर 16 पिटीशन दाखिल हुई थी। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े ने 3 जजों की बेंच गठित की है। इस बेंच में CJI S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस दिनेश महेश्वरी शामिल हैं। बता दें कि उड़ीसा की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा इस साल 23 जून यानी मंगलवार को शुरू होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए एक जगह पर लाखों लोगों के जमा होने की अनुमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि जगन्नाथ यात्रा सदियों पुरानी परंपरा है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। इस यात्रा को सिर्फ पुरी में ही निकालने की इजाज़त दी जाए। मांग की गई है कि पुरी की मुख्य रथ यात्रा को ही अनुमति दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के यात्रा स्थगन आदेश के बाद भक्त परेशान हैं। एक भक्त ने अपनी अभिव्यक्ति करते हुए यह बात कही। इन पुरी जगन्नाथ ग्रैंड रोड देर इज जीरो कोरोना, एनीवन हैज नॉट इन्फेक्टेड येट कोरोना इन पुरी ग्रैंड रोड पुरी जगन्नाथ, एंड दिस इज द पुरी जगन्नाथ कल्चर, द हेरिटेज एंड द कल्चर वेयरिंग हिमसेल्फ दैट यू कैन सी दैट उज्जैन महाकाल वन सेंट वॉज कम बाई फुट From 45 days long journey, he arrived here at Puri Jagannath. Still now, today, the burning example of devotees are coming by foot, so that you cannot stop Supreme Court of India. You have to review, you have to modification, but you have to provide us justice. And as per my beliefs and we are thinking, our faith is beyond the science. When the science defeated, the spiritualism started. So that this is the power of Jagannath. Puri Jagannath is safe, Odisha is safe almost. Only 12 death happened due to corona, so that this is not a major effect on Odisha. आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।